हमारी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, तो जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वो हमारा कैश अवार्ड जल्दी से जल्दी दें। रीज़न तो नहीं बता सकते, वो तो गवर्नमेंट ही बताएगी। वैसे हमारे कोच, हमारी पूरी टीम ने पूरी कोशिश की थी, जिला प्रशासन के पास गए थे, पर अभी तक कोई हमें जवाब नहीं मिला सीधा कि क्यों रुकी हुई है और किस कारण रुकी हुई है राशि हमारी। सभी जिलों में वुशु का 15-16 का नेशनल का कैश अवार्ड मिल चुका है। एक कैथल ऐसा जिला, ऐसा नहीं है कि हमने हेड ऑफिस नहीं गए, ऐसा नहीं कि जिला में बात नहीं की। हो सकता उन्होंने प्रयास किए हो, लेकिन हमारे पास उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, बच्चे को पैसा राशि नहीं मिली। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आप कैमरे के ठीक सामने देख रहे हैं, ये वुशु के खिलाड़ी हैं। इनको जो प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से जो खिलाड़ियों को मिलती है, खेल महाकुंभ लगा लो या जितनी प्रतियोगिता लगा लो, या जो खिलाड़ी बाहर जाते हैं वो कोई मेडल जीत के लेके आते हैं जब अपने देश के लिए, अपने जिले के लिए, तो उनको सरकार जो प्रोत्साहन राशि है वो देती है। कैमरे के सामने देख रहे हैं, इनको जो प्रोत्साहन राशि है अभी तक नहीं मिली है, तो इस बारे में हम इन खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ रीज़न रहा, और जो जिला खेल अधिकारी है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन खिलाड़ियों को जो सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि जो मिलती है वो क्यों नहीं मिलती है। नमस्कार सर, मेरा नाम अजीता जागलाना है। जी, आप किस चीज़ के खिलाड़ी हो? वुशु सर। तो आपकी जो प्रोत्साहन राशि है वो क्यों रुकी हुई है या मिली आपको? सर ये तो हम बता नहीं सकते कि किस वजह से रुकी हुई है, लेकिन सर हम 17-18 में खेल के आए थे डिस्ट्रिक्ट, तो जिला प्रशासन से हमारी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, तो जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वो हमारा कैश अवार्ड जल्दी से जल्दी दें। कहाँ खेल के आए थे आप? सर हम भिवानी खेल के आए थे, और सर हमने खेल महाकुंभ भी खेला था, उसमें सर मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, तो उसकी राशि भी हमें नहीं मिली। तो जो अधिकारियों से मिले क्या कुछ रीज़न है वो बता रहे हैं अधिकारी? सर इस चीज़ का हमें कोई वैसे पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि हमारी स्कॉलरशिप आ नहीं रही, और सारी गेमों की मिल रही है, और हमारी जो हरियाणा की स्कॉलरशिप है सर वो मिल नहीं रही है, तो रिक्वेस्ट है कि जिला प्रशासन से हमारी स्कॉलरशिप जल्दी से जल्दी दी जाए। नाम आपका? जीवन विजेता। जी, आप किस चीज़ के खिलाड़ी हो? वुशु में नेशनल मेडलिस्ट। नेशनल मेडल, आप कब आया था नेशनल मेडल आपका? सर 15-16 में। तो उसकी प्रोत्साहन राशि आपको मिली या नहीं मिली? नहीं सर। क्यों नहीं मिली? इसके लिए आपने कहीं अप्लाई किया, जैसे जिला खेल अधिकारी के पास गए आप? हाँ जी सर। तो क्या जवाब दिया जिला खेल अधिकारी ने? और कई और जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें सब में जो राशि है वो मिल चुकी है? हाँ जी सर। आपने पता किया? जी, कैथल में ही नहीं मिली बस। कैथल में नहीं मिली? हाँ जी। तो आपको वुशु खेलते कितने वर्ष हो गए? 5। 5 साल हो गए। 5 साल की मेहनत का जो आपने वहाँ तक महाकुंभ तक पहुँचे, उसके बाद आपको प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, यही रीजन है ना? हाँ जी सर। तो क्या कुछ मांग करते हो आप? रिक्वेस्ट करते हो प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी हमारी कैश अवार्ड मिले। हाँ जी, नाम आपका? मेरा नाम विश्वजीत है जी। जी, आप किस चीज़ के खिलाड़ी? मैं वुशु का खिलाड़ी हूँ जी। कब से खेलते हो? मेरे को लास्ट 4 ईयर्स हो गए हैं अभी। कहाँ कहाँ खेल रहे हैं आप? मेरा देखिए, नेशनल में सिल्वर मेडल रहा था 2018 में जी, और उससे पहले महाकुंभ में 2017-18 में मेरा गोल्ड मेडल रहा था जी, स्टेट लेवल पर जी। तो हाँ, जो महाकुंभ की राशि या जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से मिलती है, क्या आपको मिल चुकी है? नहीं। हाँ नहीं। क्यों, मतलब क्या रीज़न है? देखिए रीज़न तो नहीं बता सकते, वो तो गवर्नमेंट ही बताएगी। वैसे हमारे कोच, हमारी पूरी टीम ने पूरी कोशिश की थी, जिला प्रशासन के पास गए थे, पर अभी तक कोई हमें जवाब नहीं मिला सीधा कि क्यों रुकी हुई है और किस कारण रुकी हुई है राशि हमारी। हाँ सर, नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक कुमार लोटे जी। जी, जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से नहीं मिल रही है या देरी हो रही है, तो क्या कुछ कारण मानते हैं? इसका कारण देखिए, सरकार इतनी अच्छी योजनाएं खेल के लिए बना रही है खिलाड़ियों के लिए, और हमारे कैथल जिले में देरी से क्या मिल ही नहीं रहा अभी तक। तो जैसे 15 हमारा वुशु का ही मैटर उठाऊंगा मैं, तो सभी जिलों में वुशु का 15-16 का नेशनल का कैश अवार्ड मिल चुका है। एक कैथल ऐसा जिला, ऐसा नहीं है कि हमने हेड ऑफिस नहीं गए, ऐसा नहीं कि जिला में बात नहीं की। हो सकता है उन्होंने प्रयास किए हो, लेकिन हमारे पास उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, बच्चे को पैसा राशि नहीं मिली। ऐसे कितने बच्चे हैं सर? देखो जी, मैं तो हमारे बड़ी मुश्किल से तो एक कोच बच्चे को तैयार करके नेशनल तक लेके जाता है, ज़्यादा तो बच्चे नेशनल तक पहुँचते नहीं, 4-5 बच्चे ही हमारे, ज़्यादा तो नहीं है। मतलब टोटल कितने खिलाड़ी हैं जिले में? टोटल खिलाड़ी, एक तो हमारा जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट महाकुंभ हुआ था उसमें 200 से अबव खिलाड़ी हैं जिनकी राशि रुकी हुई है। कारण कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि प्रशासन या जिला खेल विभाग प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि बच्चों को मिला तो नहीं ना,
बच्चे खिलाड़ी को तो उसकी राशि से मतलब है। मैडम आपको खेल में कुछ खिलाड़ियों को जो खेल महाकुंभ या जो भी सुविधाएं वो राशि नहीं मिल पा रही है, क्या कुछ कारण? ये 2017 के वर्ष में महाकुंभ आयोजित करवाया गया था, पहला महाकुंभ डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी अगस्त 2018 में, तो डिपार्टमेंट ने आदेश करे थे कि जो राशि रह गई है 54 लाख की राशि तो सबको मिल चुकी थी, जो आधे खिलाड़ियों को बांट दी थी, आधे खिलाड़ी जो रह गई तो डिपार्टमेंट ने बोला था कि उनको पुण्य भिजवाया जाए। तो हम डीसी मैडम के पास लेकर गए थे, तो मैडम ने रिकॉर्ड को चेक करा कि जो लिस्टें थी उनको तरतीब बार तैयार नहीं किया गया था। तो फिर वो हमने वो तरतीब से तैयार करवाई सारी लिस्टें, और मैडम के आदेशानुसार उस टाइम के तत्कालीन DSO, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट उनको भी बुलाया गया था। नए सिरे से सारी लिस्टें तैयार हुई थी, और जो राशि उसमें ज़्यादा लगी हुई थी या कम लगी हुई थी दोबारा से पुनः जांच करके वो मैडम को सौंप दी गई थी। तो वो भी डीसी लेवल पेंडिंग है, वो उनके साइन होते ही डीसी सर के वो डिपार्टमेंट से राशि मंगवा ली जाएगी। अन्य जिलों में सभी जिलों में मिल चुकी है मैडम, सिर्फ कैथल में नहीं। हाँ मैंने बताया ना कि इसमें रिकॉर्ड में कमी थी, तो उसकी जांच करवाई थी डीसी ऑफिस से भी, हमारे यहाँ कमेटी भी बनाई गई थी, और उस टाइम के जो पदाधिकारी थे वो भी दोबारा से साइन करके गए थे। 19-20 की राशि भी नहीं मिल पा रही है मैडम। 19-20 ये पिछले वर्ष कैश वार्ड, हर साल बच्चों को कैश वार्ड की राशि दी जाती है, तो इस बार भी पैसे आए थे लगभग 92 लाख के करीब पैसे आए हुए हैं। तो उसमें जो लिस्ट है तो डीसी साहब के निर्देशानुसार जो लिस्ट आई है उस पर निदेशालय के निदेशालय से अप्रूव्ड लिस्ट की सर ने बोला है कि मंगवाई जाए, तो वो हमने डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है और बात भी कर ली है, जैसे ही लिस्ट आ जाएगी तो वो राशि बच्चों के खाते में डाल दी जाएगी। कितना टाइम लग सकता है? टाइम 1-2 दिन लगने चाहिए, क्योंकि काफ़ी 1 हफ्ता पहले हमने भिजवाई थी।